प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए एलईडी रथों को झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ईडी पर अभद्र टिप्पणी, काले कारनामों की स्वीकारोक्ति है। सीपी जोशी जयपुर, 27 अक्टूबर। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज 200 विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए केंद्र की मोदी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों एवं योजनाओं के साथ भाजपा की रीति, नीति और संकल्प को जनवरी तक पहुंचाने के लिए एलईडी रथों को प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, चुनाव सह प्रभारी नितिन पटेल, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नारायण पंचारिया सहित अन्य नेताओं ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता की ईडी पर अभद्र भाषा का प्रयोग उनके डर और चुनाव की संभावित हार को दिखा रहा है। उनको ये भय सता रहा है कि उनकी सरकार का काला चेहरा जो अब तक छिपा हुआ था वे जनता के सामने आ चुका है, जो उनकी सत्ता जाने का कारण बनेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। गरीब, दलित, वंचित के बेटे की नौकरी के हक को बेचने का काम किया है। आरपीएस